सी बेसिक फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सी बेसिक चैप्टर से क्या कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्या क्वेश्चन आएंगे हम देखेंगे। देखिए यहाँ कुछ प्रोग्राम दिया गया है, उसके आउटपुट को हमको फाइंड करना है। कामा का रोल क्या है प्रोग्राम में ये देखेंगे। कामा का रोल दो तरह से यूज कर सकते हैं कामा को। एक सी प्रोग्रामिंग के अंदर दो वेरिएबल डिक्लेयर करना है, समझिए, तो दो वेरिएबल को हम अलग करने के लिए कामा यूज करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं कामा को? अब यहाँ दो नंबर के बीच में मैं कामा यूज करा तो क्या होगा देखेंगे। जो प्लस ऑपरेटर हम यूज करेंगे तो दोनों को ऐड करके रिजल्ट दे देगा। कामा ऑपरेटर क्या देगा? राइट साइड वैल्यू दे देगा। राइट साइड वैल्यू अभी 20 ए को असाइन होगा, अब हम ये को प्रिंट करेंगे तो 20 प्रिंट होगा। देखिए कामा को ऑपरेटर जैसा भी यूज कर सकते हैं। और दूसरा प्रोग्राम का आउटपुट देखते हैं, उसके अंदर राइट साइड वाला क्या चल गया है, इसके अंदर लेफ्ट साइड वाला ये को असाइन हो जाएगा। क्योंकि बता दूं यहाँ ब्रैकेट था, यहाँ ब्रैकेट नहीं है। जब कामा का प्रायोरिटी प्रोग्राम के अंदर सबसे कम होती है, पूरे ऑपरेटर से कामा का प्रायोरिटी कम होता है, कामा पहले काम नहीं करेगा, पहले असाइनमेंट ऑपरेटर काम करेगा। पहले असाइनमेंट ऑपरेटर काम करेगा, इसका राइट साइड में जो दिख रहा है वो ये को असाइन कर देगा। असाइन करने के बाद जो कामा बचेंगे असाइनमेंट स्टेटमेंट के, असाइनमेंट ऑपरेटर काम करने के बाद अब जितने भी इधर कामा होंगे वो यूज में नहीं आएंगे, वो छोड़ देगा कंपाइलर। इसके लिए असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रायोरिटी सबसे कम होता है, मगर उससे भी कम होता है कामा ऑपरेटर का। यहाँ ब्रैकेट देने से क्या हुआ, तो कामा ऑपरेटर पहले काम किया है, यहाँ ब्रैकेट नहीं देने की वजह से असाइनमेंट ऑपरेटर पहले काम किया, इसका रिजल्ट आएगा 10। और उसके बाद तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा देखेंगे। इस प्रोग्राम का एरर आएगा। एरर इसलिए आता है कि यहाँ पे कामा ऑपरेटर जैसा नहीं काम करेगा, हाँ तो सेपरेटर जैसा काम करेगा। यहाँ तो सेपरेटर जैसा काम करेगा, तो किसे सेपरेट कर रहा है? ये तो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, इसके अंदर वेरिएबल्स होना चाहिए, वेरिएबल्स को अलग करने के लिए यूज़ करना है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये यूज़ कर सकते थे। यहाँ पे क्या है, ऑपरेटर का जैसा, आप ऑपरेटर जैसा इसे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ऑपरेटर जैसा यहाँ काम कर नहीं करेगा। यहाँ से यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट को डिक्लेरेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। डिक्लेरेशन में कामा का काम ये रहता है कि वेरिएबल को अलग करना, तो यहाँ पे तो ये एरर आएगा। और दूसरा है, तो इसी जगह में आपने यहाँ ब्रैकेट लगा था तो एरर नहीं आता था, ब्रैकेट लगाते तो फिर वो ऑपरेटर का काम कर ले रहा था, ऑपरेटर का काम कर लेगा, 30 से असाइन हो जाता था। अब ब्रैकेट नहीं लगाएंगे यहाँ पे तो ये तो माने, ये तो वेरिएबल्स मानेगा सबको यहाँ पे, तो ये दोनों को भी वेरिएबल्स मानेगा, बट वो इनवैलिड वेरिएबल्स है, इसके कारण वो एरर दे देगा। और उसके बाद अब यहाँ पे देखते हैं, अब ये देखें पहले यहाँ दो एक्सप्रेशन है, दोनों का रिजल्ट आना चाहिए। पहले रिजल्ट आने के बाद राइट साइड वाला ये को असाइन हो जाएगा। आपको ये मालूम होगा ये प्लस इक्वल टू 10, प्लस इक्वल टू इसे बोलते हैं एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। एडिशन क्या करता है, ये करता है क्या है इसका, देखो एक्सपेंशन में यहाँ दे रहा हूँ आपको, ये इज इक्वल टू ये प्लस 10, इसका मतलब तो ए में जो है 2 है उसे 10 ऐड होगा तो 12 होगा। वो 12 ए में असाइन हो रहा है, देखिए ए में असाइन हो तो ए की वैल्यू 12 होगी। अभी ए में इफेक्ट होगा, ए को असाइन होगा 12, अभी तो इसमें 12 है तो अब इसे इवेल्यूएट करने आ गया, इसमें ऑलरेडी 12 है, 12 प्लस 10 22 ए में इफेक्ट नहीं होगा, बस यहाँ 22 आएगा, क्योंकि यहाँ इक्वल टू ऑपरेटर नहीं है इस एक्सप्रेशन के अंदर, बस यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगा 22, ये 22 हुआ। तो ये दोनों में राइट साइड वाला जो 22 है, राइट साइड ये 22 ये को असाइन, अब ये में इफेक्ट होगा, ये में 22 आ गया, ये में 22 आ गया, और ये को हम प्रिंट करते रहे यहाँ पे। अब हमें हाँ ये को प्रिंट करेंगे तो हमको प्रिंट होगा 22, ये इसके आउटपुट है। थैंक यू।